कल्प वृक्ष में जो फल लगना चाहिए वो बबूल के वृक्ष में लग गया। मैं ना पार्वती जी को गोद में लेकर के कहने लगी, मैं तुझे लेकर के इस पर्वत से नीचे गिर जाऊंगी, स्वयं मर जाऊंगी और तुझे भी मार डालूंगी, अथवा तेरे सहित समुद्र में डूब करके मैं मर जाऊंगी और तुझे भी मार डालूंगी, अथवा तुझे लेकर के मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगी और तुझे भी जल करके मार डालूंगी। मैं ना कि दुख का कोई अंत नहीं, तुम सहित गिरी ते गिराऊं पावक चराऊं चल निधि महापराऊं, तुम सहित गिरी ते गिराऊं पावक चराऊं चल निधि महापराऊं। ओ जग घर जाओ अब जस हो जग जीवत विवाह न करो, जीवत विवाह न करो, जीवत विवाह न करो। मैना ने जब ये कहा मैं तुझे लेकर के पर्वत से गिर जाऊंगी, तुझे भी मार डालूंगी, स्वयं भी मर जाऊंगी, सब स्त्रियां हिमाचल नगर की जितनी स्त्रियां थी सब रोने लगी। कहने लगी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे बसते हुए भवन को बसते हुए घर को जिन्होंने उजाड़ दिया, मेरी पुत्री पार्वती को ऐसा उपदेश दिया ऐसे पागल भर को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार मैना जब रोने लगी उनकी गोद में बैठी हुई पार्वती जी कहने लगी, माँ किसी को दोष देना व्यर्थ है, कर्म लिखा जाओ बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए काम, हमारे मुझको मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए, मेरे भाग्य में अगर पागल भर लिखा है तो पागल ही भर मुझे मिले, दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे हमारे भाग में सुख दुख जो लिखा होगा हमें प्राप्त होगा, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। नगर वासियों से पूछने लगे, भाई ये बताओ जनवासी की व्यवस्था कहाँ है, शंकर जी को जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जनवासी में गए भगवान शंकर, देवताओं ने शंकर जी को चारों तरफ से घेर लिया, प्रश्न की व्यवचार करने लगे, महाराज हमने पहले ही आपसे निवेदन किया था, आपने हमारी बात नहीं मानी, अब बताइए जिस दरवाजे पर आपका इतना बड़ा अपमान हुआ अनादर हुआ आप दोबारा उस दरवाजे पर जाना पसंद करेंगे। शंकर जी तो सुनकर के चौंक पड़े, कहने लगे कहां मेरा अपमान कहां मेरा अनादर हुआ। देवताओं ने कहा हद हो गई, आपकी सास मैना महल के द्वार पर स्वर्ण थाल में आरती सजा करके आपका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, लेकिन आपका विकराल चेहरा और ये भयंकर वेश देखा आरती का थाल पटक दिया दीपक को बुझा दिया, इससे बढ़कर के दूल्हे का अनादर क्या हो सकता, इससे बढ़कर के दूल्हे का अपमान क्या हो सकता। शंकर जी कहने लगे, देखो भाई सम्मान और अपमान ये तो अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है, ससुराल में जाते हैं सैकड़ों गालियां मिलती, ससुराल की गालियां सम्मान लगती कि अपमान लगती, बताइए ससुराल की गालियां रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी लगती हैं और दाल मोठ से भी ज्यादा नमकीन लगती है। भगवान शंकर ने कहा सम्मान और अपमान अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है, इस हिमाचल नगर में आज मेरा इतना सम्मान हुआ कि आज के पहले मेरा इतना सम्मान कभी नहीं हुआ। तो नारद जी चल पड़े राजमहल की ओर, नगर वासियों ने नारद जी से कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो, बोले महल के भीतर जा रहा। नगर वासियों ने कहा वापस लौट जाइए, आज आपका सम्मान नहीं होगा, अपमान की संभावना है। नारद जी कहने लगे, जब सम्मान होता था तो मैं आया करता था और आज अपमान होगा तो मैं डर करके वापस लौट जाऊं, मेरी साधुता को कलंक लग जाएगा, जरूर जाऊंगा।
सम्मान मिले तो जाऊं और अपमान की संभावना हो तो ना जाऊं, ये संभव नहीं। गए नारद जी राजमहल में, लेकिन कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, भाव शून्य सबके सब नारद जी के प्रति। मैना के पास जा करके नारद जी कहने लगे, मैना ये बताओ तुम क्यों रो रही? मैना ने कहा, महाराज जी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत है? पूछने की बात है? प्रत्येक माँ अपनी बेटी के लिए रोया करती है। नारद जी कहने लगे, पहले निर्णय हो जाए कौन माँ है कौन बेटी है। मैना ने कहा, निर्णय होना है कौन माँ कौन बेटी है? पार्वती मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूं। नारद जी कहने लगे, नहीं ये सत्य नहीं है। नारद जी कहने लगे, मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। जिनको आपने अपनी बेटी समझ रखा है वो जगत जननी है, संपूर्ण विश्व की जननी है। मैना ने कहा, है इसका तो मेरे द्वारा जन्म हुआ। नारद जी कहने लगे, ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जन्म नहीं होता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, ये अजन्मा है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में ये सती के रूप में थी, भगवान शंकर के साथ सती के रूप में अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गई। सती जी ने राम कथा ठीक से नहीं सुनी, इनके मन में भगवान के प्रति संशय हो गया, भगवान की परीक्षा लिया, सीता का वेश बनाया, इसलिए भगवान शंकर ने इनका त्याग कर दिया। शंकर जी के विरह में सती जी ने अपने प्राणों का त्याग करके आपके घर में आपकी पुत्री बन करके आई है। ये साक्षात जगत जननी जगदम्बिका है। जब ये कहा तो मैना को ज्ञान हुआ, पार्वती की चरण वंदना करने लगी, हिमाचल नगरवासी प्रसन्न हो गए, जय जयकार होने लगी। देखिए शक्ति हमारे घर में है और शंकर जी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन जब तक कोई संत सदगुरु आकर के परिचय ना करा दे, मिलन ना करा दे, तब तक बात नहीं बनती है। अब तो अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बजने लगे, जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, हिमाचल नगर में की स्त्रियां सुंदर सुंदर गीतों का गायन करने लगी। बड़े मंडप में भगवान शंकर का आवाहन किया गया, मंडप में विराजमान हुए, पार्वती जी का भी श्रृंगार करके सखियां मंडप में ले करके आई, ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, विवाह विधि संपन्न होने लगी। जिस समय संकल्प होने लगा, संकल्प करवाने वाले जो आचार्य थे शंकर जी से कहने लगे, आप अपने पिता का नाम लो। शंकर जी चुप। आचार्य ने कहा, पिताजी का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे। शंकर जी कहने, कोई मेरा पिता हो तब तो मैं उसका नाम लू। नारद जी दौड़ करके आए। नारद जी कहने लगे, क्या बात है? शंकर जी ने कहा, ये कह रहे हैं अपने पिता का नाम लो, मैं किसका नाम लू? नारद जी ने कहा, आप अपने पिता का नाम लेते क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, किसका नाम लू? नारद जी ने कहा, कह दो मेरे पिता है ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा, मेरे पिता है ब्रह्मा। अब आचार्य ने कहा, उनके पिता का नाम बताइए। शंकर जी फिर चुप। नारद जी दौड़ करके आए, कहने लगे, आपको बार बार समझाना पड़ता है, आप बोलते क्यों नहीं? कह दो मेरे पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता विष्णु। आचार्य ने कहा, एक पीढ़ी का नाम और लेना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, देखो भाई, मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, उनका पिता मैं, शादी करवाओ तो करवाओ, नहीं तो मैं चला। आचार्यों ने कहा कि ये तो ऐसे दूल्हा हैं, ये कब भाग खड़े हों, इनका कोई ठिकाना नहीं। हास परिहास हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। पर्वतराज हिमालय ने, उनकी पत्नी मैना ने पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले करके अक्षत जल कुश के साथ में कन्यादान किया। पार्वती का हाथ भगवान शिव के कर कमल में समर्पित करते हैं। इस प्रकार से विवाह संपन्न हो रहा है, जय जयकार हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय।